डियर स्टूडेंट्स ऑफ ट्वेल्थ क्लास वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ लेसन द रेट ट्रैप रेड ट्रैप रेड चूहा ट्रैप जाल पिंजरा चूहे दानी कह सकते हैं हम हमसी देश को तो दिस स्टोरी इज ऑल वेरी एजुकेटिव ये कहानी भी बहुत ही शिक्षाप्रद है द तो लेटेस्ट स्टार्ट अबाउट द ऑथर लेखक के बारे में सेल्मा लेजरलॉफ 1858 टू 1940 फोर्टी अठारह से 1940 तक इनका जीवन था सेल्मा लेजरलॉफ का वो जे स्वीडिश राइटर स्वीडन के रहने वाले लेखक थे ये वूज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड जिनकी कहानियों को का अनुवाद किया गया है इन टू मैनी कई भाषाओं में जिनकी कहानियों का कई भाषाओं में अनुवाद या तजुर्मा किया गया है ए यूनिवर्सल थीम रंज थ्रू ऑल ऑफ देम एक सार्वभौमिक सार सच्चाई शिक्षा कह सकते हम इन सभी में से होकर गुजरती है मतलब सभी कहानियों में एक सार्वभौमिक सार है शिक्षा है सांसारिक शिक्षा है ए बिलीफ एक ऐसा विश्वास दैट द एसेंशियल गुडनेस कि जो आवश्यक अच्छाई है नेकी है इन ह्यूमन बीइंग एक मानव प्राणी के अंदर मानव प्राणी के अंदर अच्छाई का हर आदमी के अंदर अच्छाई बुराई दोनों चीजें होती हैं किसी को हम यूं नहीं कह सकते पूरा अच्छा है और किसी को यूं नहीं कह सकते पूरा बुरा है तो एसेंशियल शब्द का इसीलिए प्रयोग हुआ है कि ये दोनों अवश्यम भावी है मनुष्य के अंदर <coughs> तो जो आवश्यक हिस्सा है अच्छाई का या नेकी का मानव प्राणी में कैन बी अवेकंड उसको जगाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव समझ और प्यार के माध्यम से हम उसके साथ समझ और प्यार का अगर व्यवहार करें उसको समझते प्यार से व्यवहार करें तो उसकी नेकी को जगाया जा सकता है यही इस कहानी का थीम है सार है मॉरल है दिस स्टोरी इज सेट एमिडस्ट द माइंड ऑफ स्वीडन ये कहानी कहां की है ये स्वीडन की खानों की है रिच इन आयरन और वो खाने जो कच्चे लोहे की धनी है मतलब कच्चा लोहा बहुत होता है वहां पर व्हिच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री और इन खानों का इस कच्चे लोहे की खानों का बहुत बड़ा हिस्सा है उसके इतिहास में और प्राचीन कहानियों में वो भर कराती हैं ये खाने द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल और इस कहानी को कुछ कुछ परी कहान परियों की कहानी की तरह से बताया गया है परी कथाओं की तरह से बताया गया है व्याख्या की गई है नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट पाठ में इन अभिव्यक्तियों पर ध्यान देना इन फॉर दियर मीनिंग्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट और वही संदर्भ से इनके अर्थ को निकालना क्या क्या है कि बॉडी एंड सॉल टूगेदर बॉडी शरीर साउल आत्मा आत्मा और शरीर को एक साथ रखना मतलब जीवित रहना पलोड जयलोंग द रोड रास्तों पर भटकता फिर भटकते फिरना इम्पेनिट्रेबल पेनिट्रेट छेद करना छिद्र करना सेंध लगाई जा सके जहां और इम्पेनिटेबल का मतलब जिसमें सुराख ना किया जा सके बिना दरवाजे का बिना रास्ते की जेल हिज वे रास्ता आसान हो जाना तरीका आसान हो जाना थिंग्स हैव gone डाउन हिल चीजें पहाड़ी के नीचे जा चुकी हैं मतलब काम बिगड़ चुका है अंगर ग्लीम्ड इन his आइज भूख चमकने लगी इन हिज आइज उसकी आंखों में मतलब बहुत भूखा था अनवॉन्टेड जॉय बिना बुलाया जो है ना वो आनंद स्वाभाविक नोडिड ए आट्टी कंसेंट और बहुत ही जिद्दी कह लो कठिन कह लो सहमति देना रुखाई की रुखाई की सहमति देना अनरिस्पेक्टफुल कह सकते हैं फॉलन इन टू ए लाइन ऑफ थॉट और विचार की लाइन में गिर जाना मतलब विचारों में खो जाना नाउ लेटस स्टार्ट द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए मैन एक बार की बात है कि एक आदमी था वो वेंट अराउंड सेलिंग समॉल ट्रैप्स ऑफ वायर जो तार से बने चूहेदानी बेचता फिरता था इधर उधर चारों तरफ जाता था सेलिंग बेचता हुआ मेड एट मोमेंट्स फुर्सत के खाली क्षणों में वो इनको खुद बनाता था फ्रॉम द मेटीरियल ही गोट बाई बैगिंग उस सामान से जो वो भिक्षा में लिया था इन द स्टोर सटोरों संग्रहालयों में से और एट द बिग फार्म या बड़े बड़े खेतों या फैक्ट्रियों में से भीख मांग कर जो सामान सिलाता था उसी से इनको तैयार करता था बट इवन सो लेकिन इस पर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल लाभकारी स्पेशली खासकर बिजनेस ये काम फिर भी ये काम कोई खास लाभकारी नहीं था सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ इस प्रकार उसे दोनों चीजें चुननी पड़ती या दोनों पर निर्भर रहना पड़ता रिजोर्ट चुनना या निर्भर होना बोथ दोनों पर बैगिंग भीख मांगने पर एंड पैटी थीवरीज और छोटी, छोटी छोटी चोरी करके टू की बॉडी एंड सॉल टुगेदर जिंदा रहने के लिए उसे इन दोनों कामों पर निर्भर रहना पड़ता भीख भी मांगता और छोटी मोटी चोरियाँ भी करता इवन सो so, इस पर भी इतना करने के बाद भी हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स उसके कपड़े चिथड़ों में रहते चिथड़ों में रहने का मतलब फटे पुराने ये चीक्स वर संकन, उसके गाल डूबे हुए थे मतलब पिचके हुए थे एंड हंगर अंगर गलीम और उसकी आंखों में भूख चमकती थी फिर भी बुरे हाल में रहता था सारे काम कर लेता चोरी कर लेता इसके बावजूद बुरे हाल में रहता था वन कैन इमेजिन कोई कल्पना नहीं कर सकता हाउसैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर के कितना उदासी भरा दुख भरा मोनोटोन से एक लय का नीरस बिना रस का जीवन मतलब दिख सकता है टू सच ए वेगा बैंड ऐसे घुमक्कड़ को आवारा को ऐसे आवारा आदमी का जीवन कितना नीरस और कितना दुखी हो सकता है इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता वो प्लोड एलोंग द रोड जो सड़कों पर भटकता फिरता है लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस अपने ही ध्यान में खोया रहता है मेडिटेशंस तो ध्यान लगाने की होती है, लेकिन अपने मूड में कह लो अपने विचारों में खोया रहता है बट डे लेकिन एक दिन दिस मैन हैड फॉलन ये आदमी गिर गया इन टू ए लाइन ऑफ थॉट विचार में विचारों में खो गया या एक विचार मिल गया इसको पकड़ लिया इसने विच रियली सीम्ड जो असल में दिखता था टू उसको एंटरटेनिंग बड़ा रोचक मनोरंजन करने वाला एक ऐसा विचार आया जो उसको बड़ा मनोरंजक लगा ही हैड नेचरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेटरेप वो स्वाभाविक रूप से सोचता रहा था अपने चूहेदानी के बारे में वहन सडनली कि तभी अचानक ही वॉज ट्रक बाई द आइडिया उसके दिमाग में एक झटका लगा एक विचार आया दैट की द बोल की सारा वर्ल्ड अबाउट हिम उसके आसपास की जो सारी दुनिया है द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंडज एंड सीज पूरा संसार अपनी जमीन और अपने समुद्रों के साथ इट्स सिटीज एंड विलेजेज इसके शहर और गाँव के साथ वॉज नथिंग बट ए बिग रेट रेप बिग एक बड़े सी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं था मतलब क्या लगा कि ये सारी दुनिया एक बड़ी सी चूहेदानी है इसके अलावा ये और कुछ नहीं है इट हैड नेवर एग्जिस्टिड फॉर एनी अदर पर्पज ये कभी भी किसी और उद्देश्य के लिए अस्तित्व में नहीं रही है ये दुनिया का अस्तित्व केवल एक ही उद्देश्य से है और वो क्या है देन टू सेट बेट्स किए बेट्स लालच प्रलोभन सेट करता है रखता है यहाँ पर बेट्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ फिर बार बार आएगा इसको बेट ही बोलेंगे बेट होता है जो ऐसी चीज जो किसी को आकर्षित करे चूहेदानी के अंदर हम कोई फ्रूट का या कोई ब्रेड का टुकड़ा लगा देते हैं उससे आकर्षित तो होकर के चूह आता है वहां पर तो वो क्या है बेट शेर का शिकार करते वक्त जंगल में शिकार के स्थान पर बकरी बांध दी जाती है तो बकरी क्या है बेट शेर के लिए आकर्षक वस्तु हम्म हाँ तो ये संसार क्या करता है इसका इस संसार का एक उद्देश्य है कि ये जो है ना आकर्षक वस्तुएं दिखाता है फॉर पीपल लोगों को इट ऑफर्ड रिज एंड जो एज इसी पेश करता है दिखाता है लोगों को क्या क्या दिखाता है क्या क्या पेश करता है अमीरी आनंद शेल्टर छाया घर एंड फूड भिन्न भिन्न तरह का भोजन हीट गर्मी एंड पॉक एंड क्लोदिंग और कपड़े एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही ठीक वैसे ही एज द ट्रैप ऑफर्ड जैसे ये चूहेदानी पेश करती है चीज पनीर एंड पोर्क और मांस जैसे चूहे दाने के अंदर हम चूहे को आकर्षित करने के लिए मांस और पनीर लगाते हैं वैसे ही ये संसार भी मनुष्यों को आकर्षित करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के आनंद भिन्न भिन्न तरह के भोग चीजें जो है पेश करता है एंड एज सुन एज एनी वन लेट इम सेल्फ बी टेम्पटेड और जैसे ही या ज्यो ही कोई भी अपने आप को लालची होने देता है हिमसेल्फ खुद को बी टेम्पटेड ललचा जाता है टू टच द उस आकर्षण को छूने के लिए ला, ला, लालाई तो उठता है इट क्लोज इन ऑन हिम और ये पिंजरा उसी के ऊपर बंद हो जाता है मतलब वो पिंजरे में बंद हो जाता है रुक जाता है एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड और फिर सब खत्म हर चीज का अंत हो जाता है मतलब आदमी पिंजरे में बंद और सब समाप्त द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम असल में ऑफ कोर्स असल में ये जो दुनिया है ये उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं रही थी किसके प्रति इस भिखारी के प्रति सो इट गेव हिम अनवॉन्टेड जोय इसलिए उसको एक अनसा प्राकृतिक आनंद मिलता था टू थिंक इल बुराई सोचने में ओफ इटिस की इन दिशे इस तरह से इस तरह से इस दुनिया की बुराई सोचने में उसको आनंद प्राप्त होता था इट बिकेम ए चेरिस्ट पास टाइम इज और ये उसका पसंदीदा त्रिये जो है ना पास टाइम बन गया था समय गुजारने का तरीका बन गया था कैसे विचार आते रहते ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी और कई बड़ी खुश्क या बुरी भयानक जो है ना यात्राओं के दौरान चलने के दौरान टू थिंक ऑफ पीपल लोगों के बारे में सोचना ही न्यू जिनको वो जानता था हु हैड लेट देम सेल्स बी कोट जिन्होंने अपने आप को पकड़ने दिया था पकड़ा जाने दिया था इन द डेंजरस नेयर उस खतरनाक पिंजरे में उन लोगों के बारे में सोचता वो अपनी यात्राओं के दौरान सड़क पर रास्तों पर यूं ही चलता हुआ भटकता हुआ क्या सोचता किसके बारे में उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने आप को खतरनाक पिंजरे में फंसा लिया था मतलब सांसारिक दुनिया में फंसा लिया था उलझा लिया था एंड ऑफ अदर्ज और उन दूसरों के बारे में भी वू वर्स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट जो अब भी उस आकर्षण के चारों ओर चक्कर काट रहे थे लेकिन पिंजरे में फंसे नहीं थे अब तक चक्कर चक्कर ही काट रहे थे उनके बारे में भी ये सोचता रहता जो पहले पिंजरे में बंद हो चुके हैं उनके बारे में और जब अब चक्कर काट रहे हैं बंद होने वाले हैं उनके बारे में भी सोचता रहता था वन डार्क इवनिंग एक काली सुश्याम को एज ही वॉज ट्रूजिंग जैसे ही वो थका हुआ चल रहा था एलोंग द रोड ट्रूजिंग थक कर चलना सुस्त होकर के लड़खड़ाते हुए चलना एलोंग द रोड रास्ते पर ही काट साइट ऑफ ए लिटल ग्रे कॉटेज उसे एक मटमेली या सलेटी रंग की कोटेज झोपड़ी जो है ना दिखाई दी काट साइट नजर पकड़ ली झोपड़ी दिखाई दी बाई द रोड साइड सड़क के या रास्ते के बराबर में एंड ही नोकड ऑन द डोर और उसने दरवाजा खटखटाया टू आस्क सेल्टर आश्रय मांगने के लिए फॉर द नाइट रात को रात को आश्रय मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया और ना ही उसको इनकार किया गया मतलब आश्रय मिल गया रिफ्यूज इनकार करनाड ऑफ द खट्टे चेहरों की बजाय खट्टे चेहरे कौन से होते थे भिखारी को देख के ना कोई एक आदमी तो वैसे खुश हो जाए उन्हें सभी खट्टे चेहरे कर लेते हैं विच ऑर्डिनरीली टीम जो उसको सामान्य मिलते थे, थे जो उसको खट्टे चेहरे मिलते थे उसकी बजाय ये जो ओनर था मालिक था वो वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड जो एक बूढ़ा आदमी था न उसकी पत्नी थी न कोई बच्चा था वो पी, ये तो खुश हो गया टू तो गेट समवन किसी को पाकर टू तो टाक बातें करने के लिए इन दो लोनलीनेस अपने अकेलेपन में यह अकेला बूढ़ा आदमी किसी को पा करके खुश हो गया कि अब अकेलेपन में बातें अकेलापन नहीं रहेगा और खुल के बातें करेंगे कोई बात करने के लिए मिल गया इसको इमिजिएटली तुरंत ही पुट द पोरिज पोर्ट ऑन द फायर उसने दलिए की जो आंडी थी बर्तन था वो आग पर रख दिया एंड गेव हिम सफर और उसको शाम का भोजन करवा दिया देन ही देव ऑफ सच ए बिग स्लाइस और फिर उसने बड़ा सा टुकड़ा काट के अलग कर लिया फ्रोम इज टोबैको रोल टोबैको का जो रोल था उसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा तमकू तु, का काट लिया दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड इज ऑन कि ये दोनों के समोकिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए स्मोकिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे हमारे यहां उक्का उक्टियां होती हैं तो वैसे वहां जो है कोई पाइप था उनका स्मोकिंग इंस्ट्रूमेंट धूम्रपान करने का कोई साधन था तो उसको यहां पाइप कहा गया है कि इतना तमामकू काट लिया कि उसके खुद के पाइप के लिए और मेहमान के उस अजनबी के पाइप के लिए काफी हो फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स और आखिर में उसने एक पुरानी सी जो है ना ताश निकाल दिए पुराने से एंड पलेड जॉलिस और मेजोलिस खेले विद इज गेस्ट अपने मेहमान के साथ अनटिल बेड टाइम सोने के समय तक सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ खूब ताश खेला तो बेटा आज यहीं तक न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स जितने भी हैं उन सबको जो है ना विद स्पेलिंग याद करना है इस लेसन को भी रिवाइज करना है थैंक यू